जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने आज एक प्रेस नोट जारी कर बताया है, बिहार के दरभंगा जिले में हम हैं और विशेष कवरेज आप हायाघाट प्रखंड के पतोर उप क्षेत्र से सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज जिलाध्यक्ष मुन्ना खान ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसके में लिखा है कि 35 वर्षीय अंचल चौधरी, आपको बता दें अचल कुमार चुकी इस घटना में मौत हो गई थी। बताते चले कि अचल के तीन छोटे बच्चे हैं, हाल ही में दिल्ली से अपनी मां को दरभंगा पहुंचाने के लिए आया था और जिसका 20 जुलाई को वापसी का टिकट भी बना हुआ था। इस घटना में अन्य लोग जख्मी हैं जिनका इलाज TMCH में चल रहा है। इस घटना में स्वर्गीय शोभाकांत झा के पुत्र 60 वर्षीय कृष्ण कुमार झा बुरी तरह घायल हैं। आपको बता दें कि उन्होंने करा रहे हैं। आपको बता दें कि रास्ते पर गोबर रखने के मामूली विवाद ने देखते ही देखते बड़ी घटना का रूप ले लिया। बताया जाता है कि इससे पूर्व 4 दिन पहले भी दोनों पक्ष के साथ झगड़ा हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार 30 से 40 की संख्या में लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें चाकू, रोरा, लाठी एवं अन्य हथियारों से अचानक हमला कर दिया गया। इस तरह का जो प्रेस नोट है वो डॉक्टर मुन्ना खान जो जिला अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, उन्होंने जारी किया है। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बता दें इस अवसर पर यहाँ पर जो डॉक्टर मुन्ना खान है उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, और यहाँ पर जो परिजन है उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया है वो हम आपको सुनाते हैं। APM थाना अंतर्गत सोहे पट्टी में मारपीट में कई घायल हैं, एक की मृत्यु हो गई, अभी उनकी आप सुधी लेने आएंगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। एक किसी का परिवार उजर गया, किसी की जान चली गई, उससे उसका छोटा बच्चा है, उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा? लोगों के बीच में सहनशीलता खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात कि अगर जमीन का विवाद था या किसी चीज का छोटा सा झगड़ा था, उसको जान लेकर उसको इस तरह मतलब भयावह बना देना, किसी परिवार को उजाड़ देना, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका निंदा करता हूं, और खासकर पुलिस प्रशासन का। जब उनको वक्त रहते सारे चीज का पता था तो पुलिस प्रशासन को कम से कम पहले ही से अंकुश लगाना चाहिए था, चूंकि झगड़ा 4 साल से चल रहा है, इसको अंकुश लगाने की जरूरत ना। अगर ये पहले अंकुश लग गया होता है, चूंकि 5-6 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था आम तोड़ने को लेकर, अगर पुलिस प्रशासन उस टाइम में ही दोनों को बुलाकर दबाड़ दिया होता या दोनों को डांट फटकार कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, किसी की जान बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन का जो घिनौना रवैया है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जनता पार्टी। बड़ उछन्नर दी हमारे एकर में दाना पानी नहीं सुखब दी, बकरी छकरी माल जाल सब मार पीट देखी पड़े उठ जाए बहुते, दुए घर पड़े रोड पर में गोबर रखने तो गोबर हटबे कहल के, तो गोबर हटा कर फिर उठल के रोड पर से आ दोसर ठम फिर रोडे पर में रखल कनी हटि त्रिवेणी झा के लड़का कहे जे बात बराबरे भेल है, गली वाला रोड से उठा कर आ मैने रोड पर में राखि दिलिये है, बस अतबी बात छी। वही पर में लगली त्रिवेणी झा के बेटा के करियाब जनन करियाब लगली, तक बाद किछु काल पर घर वाला के नहीं मालूम भेले, तक बाद अब जे केओ कहने हेतै ओकर घर वाला की कहलकै तऽ गाय पढ़े एगो जिलेबी के से अच्छी डंटा बांग ओ लऽ कऽ तैयो हम थोड़ ठाम केलिए ओकरा घुमबैये लगलिए जे जनानी मारि पीट करबै छै हैं हौ भिनसर में बुधारत कऽ ली हौ इहे मारि पीट करबै छै, ओकर ससुर घुमि गेल बेटा नहि घुमलै, बेटा जखन नहि घुमलै तऽ तकरा पाछू देखै छी जे हजेर लाठी चला रहा है। हाँ, हजेरक हजेर लाठी आ शुक्र पार के शुक्र दिन से खोर ढुक मरल के कहलूँ जल जाइए सब किस देख लीजिए, टाट फड़क सब उजरल सबटा उजरल उजरल आम खातिर भले इलाका से घर में ढुक के दरवाजा पर सुबह पर संगे जमीनी संबंधित मारपीट है।
वही में हम सजा के सब दिन में बचबे ला गई बचबे ला जाए सही अंतर में एखन बचेलिए कि मर गए चाकू के मारल जुगन दास रोड़ा से मारल के अइ में तेमें मोहन दास हले सोहन एठम चार गो भाई छे पचकौटी दास के चार गो लड़का छे आ दुखन दास के एगो लड़का छे ओकर नाम से नंद किशोर के घायल छे घायल एगो तो हमर तमाम स्वर्गीय भऽ गेलै के स्वर्गीय भेला समीर नाम छे समीर नाम छे की दोसर नाम छे समीर संबंधी के भेल अहाँके नहीं ओ भाई लगते भगन माने में छे ओकर मौत भ गेलै की कथी से मारने ने उनको मैं मारि से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे में शेष पाछू मारल आगू मारल एना।